नमस्कार, किचन विद आशा में आज मैं उड़द की दाल की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। कचौड़ी के लिए हमको चाहिए भीगा हुआ उड़द का दाल, तो हमने 3-4 घंटा पहले भिगा दिया था, फिर इसका छिलका उतार कर अच्छी तरह धोकर इसको ले लिया है। अब इसको पीसने जा रही हूँ। हमने उड़द की दाल पीस लिया है, इस तरह से हमको पीसना है, ना इसमें पानी नहीं डालना है, थोड़ा दरदरा रहना है ताकि कचौड़ी अच्छी तरह से भर। अब इसको एक बाउल में खाली करूंगी। इस तरह से इसको खाली करना है। चलिए अब हम आटा को गूंथ लेते हैं। अब हम आटा गूंथने की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप हमने मैदा लिया है, दो चम्मच घी देसी, फिर इसको इस तरह से करना है। अच्छी तरह से हमने इसमें घी मिला लिया है ताकि कचौड़ी एकदम खस्ता बने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। इस तरह से आटा गूंथना है। चलिए इसको अब हम ढककर रख देती हूँ ताकि मैदा टाइट ना हो। चलिए अब हम कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो चुकी है, 2 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर, हींग की कुछ खुशबू अच्छी आ रही है। और इसमें स्टफिंग को फ्राई करूंगी थोड़ा सा, फिर इसमें 1 चम्मच सौंफ, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। और इसको थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बराबर हिस्सों में ले लूंगी। हमने आटे को ले लिया है, अब इसको इस तरह से करना है। बहुत ज्यादा नहीं भरना है, इस तरह से हर तरफ से। इस तरह से गोला बनाकर इसको ऐसे करना है। इसी तरह से और भी बना, इस तरह से बना लिया है सारी कचौड़ियाँ। अब तेल गरम हो रहा है, थोड़ा सा आटा डाल के देखूंगी कि तेल गरम हुआ कि नहीं। तेल गरम हो गया है, अब एक एक करके डाल दूंगी कचौड़ी को।
पलटती रहूँगी ताकि अच्छी तरह से हो जाए। अब कचौड़ियाँ बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं, अब इनको निकालने जा रही हैं। इस तरह से तलना है, अब इसमें निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सभी कचौड़ियों को तल लूँगी। गर्मा गर्म उड़द दाल की कचौड़ी बनकर तैयार है। यह हरी चटनी के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। इसको आप अपने घर में जरूर एक बार बनाइए और हमारे चैनल को शेयर और